तो बच्चों अब ये है 25th क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो 100% आता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो आप अच्छे से। देखो साइन इक्वल्स टू कॉस दे रखा और कुछ भी नहीं दे रखा और ये निकालना है। क्या करूँ देखो, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा और यहाँ पर कुछ नहीं, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ भाई। अब इस कॉस को मैं नीचे फेंक देता हूँ तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर 1 है तो ऊपर नीचे भी, नीचे कुछ नहीं है तो नीचे भी मैं क्या ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, बिल्कुल सही। देखो तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, परपेंडिकुलर कितना, लेट सपोज दिस इज थीटा, तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस भी 1 है, और मेरा जो हाइपोटेनियस होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब 2 अंडर रूट हो जाएगा। हाइपोटेनियस क्या होगा, अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। तो देखो हाइपोटेनियस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया, अब ये निकालना है। देखो कितना ईजी है। अब इसको मैं करता हूँ आपका नेक्स्ट पेज पे, है ना, तो मैं यहाँ पर इस पेज पे इसको करता हूँ, तो अब करा जाए इसको। देखिए देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग और यूज, हल्का सा यूज करना है थोड़ा दिमाग, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए आईसीएसई वालों को, है ना। चलो भाई, ये 2 tan² थीटा प्लस sin² थीटा -1। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, 2 into 10 square theta, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है वो भी 1 है का स्क्वायर, प्लस sin² theta, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है मेरा 1, हाइपोटेनियस है मेरा अंडर रूट 2, और sin² है तो स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है जी। और फिर लास्ट में है -1, तो देखो ये हो जाएगा 2 into 1, 2 into 1 तो 1 ही होता है, 2 into 1 तो 2 ही होता है, प्लस ये हो जाएगा 1/2 -1, ठीक है भाई, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा, अब 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/2। अब 2 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ तो 1 आएगा ना, और 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, अब ये तो खुद ही कर लेते हैं, चलो कोई नहीं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 3/2 आ जाएगा मेरा आंसर। तो भाई ये भी हो गया, 25th भी हो गया हमारा। अब हम करते हैं 26th।